नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया की शुरुआत आज एक बेहद ही अच्छी खबर से करेंगे। जी हाँ, टीम इंडिया ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में 157 रनों से हरा दिया है। ओवल में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 368 रनों का लक्ष्य दिया था और ऐसे में इंग्लिश टीम 210 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। ऐसे में इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है और वहीं भारतीय टीम को ओवल में टेस्ट मैच जीतने के लिए 50 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा। वहीं बता दें, उसने इससे पहले 1971 में अजीत वाटिकर की कप्तानी में ओवल में टेस्ट मैच जीता था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया था। ऐसे में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अपने कप्तान जो रूट के फैसले को सही साबित किया और टीम इंडिया को 191 रनों पर ऑल आउट कर दिया। क्रिस वोक्स ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके थे। ऐसे में ऑली रॉबिन्सन के खाते में 3 विकेट आए। ऐसे में टीम इंडिया की ओर से शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए। वहीं कप्तान कोहली ने 50 रनों की पारी खेली। वहीं इंग्लैंड जब बल्लेबाजी करने उतरी तो उसकी शुरुआत खराब रही। ऐसे में जसप्रीत बुमराह ने 6 के स्कोर पर इंग्लैंड के ओपनर्स रोरी बेंसर्स और हसीब हमीद को आउट कर दिया। इसके बाद डेविड मलान और जो रूट ने 30 विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे और इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलुओं का शुभारंभ भी करेंगे। वहीं शिक्षा मंत्रालय शिक्षकों के अमूल्य योगदान को मान्यता देने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाने के लिए 5 से 17 सितंबर के बीच शिक्षक पर्व मना रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आज सुबह 11 बजे होगा। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी, टॉकिंग बुक्स, स्कूल क्वालिटी एसोसिएशन एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क ऑफ CBSE, NIPUA, भारत और विद्यांचली पोर्टल के लिए NISHTHA टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत भी करेंगे। ऐसे में PMO ने कहा है कि शिक्षक पर्व का ये उत्सव न केवल सभी स्तरों पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करेगा बल्कि देश भर के स्कूलों में क्वालिटी, एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस और स्टेबिलिटी में सुधार के लिए इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को भी मोटिवेट भी करेगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अन्य शिक्षा राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। बता दें, उद्घाटन कॉन्क्लेव के बाद 17 सितंबर तक वेबिनार, डिक्शंस और प्रेजेंटेशंस चलेगा जिसमें देश के कई स्कूलों के शिक्षाविदों को अपने अनुभव, सीख और आगे का रोडमैप शेयर करने के लिए इनवाइट भी किया जाएगा। हालांकि दूर दराज के स्कूलों के लिए शिक्षक और व्यवसायी भी स्कूल में क्वालिटी और इनोवेशन से संबंधित मुद्दों पर बातचीत करेंगे। एक अधिकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को सुबह 11 बजे शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा से जुड़े कई पक्षों को संबोधित करेंगे। ये स्कूल शिक्षा विभाग की 5 पहलों की शुरुआत भी करेंगे और इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सुभाष सरकार और राजकुमार रंजन सिंह भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि उद्घाटन सम्मेलन के बाद 17 सितंबर तक वेबिनार, सेमिनार का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें देश के कई स्कूलों के शिक्षाविदों को अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। भारत ने सोमवार को एक बार फिर से कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए हैं। जी हाँ, पिछले 11 दिनों में ये उपलब्धि तीसरी बार हासिल की गई है और इसके साथ ही देश में कुल वैक्सीनेशन कवरेज अब करीब 70 करोड़ के पार हो चुकी है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है और इस बारे में PM नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है और साथ ही बता दें, टीकाकरण के मोर्चे पर और क्रिकेट पिच पर शानदार दिन है, ये उन्होंने कहा है। ऐसे में हमेशा की तरह टीम इंडिया जीत गई। ज्ञात हो कि भारत, और बता दें कि उन्होंने ये लिखा है कि 11 दिनों में टीकाकरण जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा है और ऐसे में लगातार टीकाकरण जो है वो किया जा रहा है। इससे पहले भी लगातार जो है टीकाकरण में
इतिहास वो रचा जा रहा था और ऐसे में लगातार वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है वो भारत में बढ़ती ही जा रही है। बता दें उधर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की एक वायल से 10 की जगह 11 डोज लगाने से खर्च को 10% तक कम किया जा सकता है और ऐसे में देश में टीकाकरण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये बचत सभी को वैक्सीन देने में मदद करेगी। ये बात प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने के उपलक्ष्य पर आयोजित वैक्सीन संवाद कार्यक्रम के दौरान कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत एक दिन में 125 करोड़ टीके लगाकर रिकॉर्ड बना रहा है। जितने टीके भारत एक दिन में लगा रहा है वो कई देशों की आबादी से भी ज़्यादा है। ऐसे में वैक्सीन संवाद के वर्चुअल कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल ने पहली डोज का 100% लक्ष्य पूरा कर न केवल रिकॉर्ड बनाया बल्कि वेस्टेज को शून्य से भी कम कर बेहतर उदाहरण भी दिया है। ऐसे में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी वैक्सीन को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए जयराम सरकार की व्यवस्था प्रशंसनीय है। ऐसे में हिमाचल ने सभी के लिए वैक्सीनेशन का मॉडल पेश किया है और 100 सालों की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर सामने आया है। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र का पालन करना जरूरी होगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जारी है। इसी क्रम में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश क्यूबा बन गया है। जी हां, क्यूबा में 2 साल के बच्चों के लिए देश में ही विकसित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि इस वैक्सीन का को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से मंजूरी मिलनी अभी बाकी है। लेकिन कई देशों में 12 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा रही है। ऐसे में क्यूबा में कोरोना वैक्सीन अबादला और सोबराना का ट्रायल पूरा होने के बाद शुक्रवार से यहां 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों और काफी छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। इसके बाद ये बता दें सोमवार को यहां 2 से 11 साल के बच्चों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। ऐसे में यूएन की एजेंसी UNICEF ने दुनिया भर के स्कूलों को जितनी जल्दी संभव को उनसे खोलने के लिए कह दिया है और ऐसे में हाल ही में बता दें कि क्यूबा ने महामारी कोविड-19 के बुरे दौर को झेला है जिससे इसकी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी और अब तक यहां कोरोना महामारी की वजह से 5,700 मौतें भी हो चुकी हैं। ऐसे में अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंग्स यूनिवर्सिटी द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया में अब तक कुल बता दें 22 करोड़ से ज़्यादा संक्रमण के मामले हैं और ऐसे में 45 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इन सब के बीच क्यूबा जो है वो पहला देश बन चुका है जिसने बच्चों की वैक्सीन जो है मंजूरी उसको मिल गई है और बच्चों को वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि देखिए तमाम ऐसे देश हैं जहां पर वैक्सीन लगाने की बच्चों को बात की जा रही है, ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन क्यूबा ऐसा पहला देश बन गया है जो अब बच्चों को वैक्सीन जो है लगाने लगा है। किसानों पर 28 अगस्त को हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ करनाल में आज महापंचायत बुलाई गई है। जी हां, साथ ही किसान लघु सचिवालय का घेराव करने को लेकर वो अड़े हुए हैं। इस बीच आज जिला प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 लगा दिया है और करनाल कुरुक्षेत्र कैथल जिंद और पानीपत में इंटरनेट और मैसेज सर्विस को भी सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। साथ ही बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक मंगलवार को यानी कि आज पूरे दिन 24 घंटे के लिए इंटरनेट और मैसेज सर्विस सस्पेंड रहेगी और ऐसे में अधिकारियों ने बताया है कि करनाल प्रशासन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 भी लागू कर दी है। ऐसे में 5-4 लोगों से ज़्यादा पर एक जगह एकत्रित होने पर पाबंदी होगी। वहीं बता दें पुलिस द्वारा जारी एक परामर्श के अनुसार मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 जो अम्बाला से दिल्ली पर मंगलवार यानी कि आज करनाल जिले के कुछ यातायात जो है बंद रहेगा और इसीलिए NH-44 का उपयोग करने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वो करनाल शहर की यात्रा करने से बचे या 7 सितंबर को अपने गंतव्य तक जाने के लिए वो कोई और रास्ता
इस्तेमाल करें। वहीं हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सोमवार को कहा कि मंगलवार को यहां एक विशाल पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद किसान लघु सचिवालय का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान मंगलवार सुबह करनाल की नई अनाज मंडी में एकत्रित होंगे और ऐसे में करनाल पुलिस ने किसान नेताओं के ऐलान को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर लिए हैं। साथ ही बता दें, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क ने कहा है कि लघु सचिवालय के घेराव के आह्वान को देखते हुए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं का प्राथमिक मकसद शांति व्यवस्था कायम रखना, किसी भी तरह की हिंसा को रोकना, यातायात और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के कामकाज को सुगम बनाना और पूरे राज्य में खासकर करनाल में सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के साथ आज भी दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि आज कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है और इसके साथ ही तीव्रता में कमी भी आएगी। ऐसे में आईएमडी के मुताबिक संभावित निम्न दबाव क्षेत्र के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने से की वजह से 7 सितंबर यानी कि आज दक्षिण उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में विभाग ने कहा है कि उत्तर मराठवाड़ा, उत्तर मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण और गुजरात के क्षेत्र में 7 और 9 सितंबर के दौरान बारिश होने की संभावना है। वहीं 7-8 सितंबर के दौरान उत्तरी कोंकण में और 8 सितंबर को यानी कि आज मध्य महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में और 7 सितंबर को यानी कि आज तेलंगाना में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसी तरह 7-9 सितंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब और जम्मू क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश के साथ उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर हिस्सों में छिटपुट से भारी बारिश की संभावना है। कांग्रेस अघोषित तौर पर अपने करीब 7 नेताओं को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतारने की हरी झंडी दिखा चुकी है। जी हां, यूपी प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर अखिल भारतीय सचिव जमीनी हकीकत को देखते हुए उम्मीदवारों पर फैसला ले रहे हैं। ऐसे में पार्टी की संस्कृति में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बिना स्क्रीनिंग कमेटी के सीधे उम्मीदवारों पर निर्णय लिया जा रहा है। इससे पहले भी उम्मीदवार तय किए जाने की खबरें आई थी, लेकिन संबंधित नेताओं ने ही इससे इनकार कर दिया था। ऐसे में सोमवार को प्रयागराज शहर उत्तरी सीट से पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह की उम्मीदवारी का ऐलान किया गया। वहीं प्रभारी सचिव बाजीराव खांजे ने बकायदा कार्यकर्ता सम्मेलन में उनके नाम की घोषणा की। ऐसा प्रियंका गांधी के निर्देश पर किया गया है। बता दें, सिंह इस सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं और करीब 2 साल तक उत्तराखंड के प्रभारी भी रहे हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रम मोना और पूर्व विधायक नदीम जावेद को भी चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। वहीं एक अन्य सचिव के मुताबिक कुछ मौजूदा विधायकों, पूर्व विधायक और अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखने वाले करीब 60 नेताओं को चुनावी तैयारियों में जुटने के लिए कहा गया है। ऐसे में बकायदा विधानसभाओं में जमीनी सर्वे और महासचिव की संतुष्टि के बाद ही हरी झंडी दिखाई गई है। वहीं पार्टी जीत की संभावना और पुराने आधार पर ही उम्मीदवार उतार रही है, तो ऐसे में चुनाव को लेकर पूरी तरह से अब जो है कांग्रेस एक्टिव हो चुकी है। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर तंज कसते हुए और हमला बोलते हुए नजर ही आ जाते हैं। ताजे मामले में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। बता दें, प्रदेश में चुनाव की अधिसूचना जारी होने में अब काफी कम समय बचा है और ऐसे में सरकार जल्द से जल्द घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की कवायद में जुट गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल अलर्ट मोड पर हैं।
और सभी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने सरकार पर हमलावर होते हुए कहा है कि सरकार ने अब तक के अपने कार्यकाल के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र को कोई तरजीह नहीं दी है और तमाम घोषणाएं अभी तक अधूरी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं पर घोषणाएं करते जा रहे हैं पर जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा। मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि बीजेपी ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम किया और जमीनी हकीकत पर कोई काम नहीं किया गया है। कोई घोषणा पूरी नहीं होने वाली है, सारी घोषणाएं हवाई घोषणाएं हैं। 3 महीने का वक्त बीत गया है, मुख्यमंत्री जी कब उन घोषणाओं को पूरी करेंगे? 5 साल में तो ये सोए रहे, कोई काम इन्होंने नहीं किया। 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए, अब 3 महीने में सोचते हैं कि सारी अलादीन का चिराग है कि जो मुख्यमंत्री इन घोषणाओं को पूरी कर देंगे। कहीं कुछ नहीं हो रहा, केवल जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब कांग्रेस कुछ भी बोले और बीजेपी जवाब ना दे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी अजेंद्र अजय ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने जो भी घोषणा की वो सभी पूरी की जा रही है। उत्तराखंड में बीजेपी लगातार केंद्रीय योजनाओं को पूरा करने में जुटी हुई है। अब कांग्रेस बताए कि कौन सी ऐसी योजना है जिसके बारे में कांग्रेस बात कर रही है। देखिए, अनुशासन हमारी पार्टी का प्राण है और तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं जब हमारी पार्टी ने अनुशासनहीनता के मामले में कड़े निर्णय लिए हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो मामले आजकल जो मीडिया के माध्यम से जो जानकारी आ रही है, जिन मामलों में उसमें जैसा जानकारी में आया है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसमें जांच समिति गठित कर दी है और जांच समिति जो भी उसमें जो सभी पक्ष हैं उनसे बातचीत करके जो भी सम्यक जो रिपोर्ट होगी उस पर उस आधार पर होगा। अब आलम यह है कि प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार पर 3-3 मुख्यमंत्री को बदलने को लेकर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी विकास का दावा कर रही है और चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही सभी निर्माण कार्य को पूरा कर अपने वादों पर खरी साबित होना चाहती है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। जहां भाजपा सरकार अपने विकास कार्यों को पूरा करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रही हैं। देहरादून से सुभाष कौर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। रुद्रप्रयाग में बीजेपी राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत नगर और ग्रामीण मंडल का प्रशिक्षण संपन्न हो गया है, जिसमें बूथ स्तरीय स्वयंसेवकों से जनसेवा ही बीजेपी का उद्देश्य पर काम करने का आह्वान किया गया है। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सेवा भाव से काम करने पर भी जोर दिया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग के एक वेंडिंग पॉइंट में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए विधायक भारत चौधरी ने कहा कि संगठन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने सेवा भाव से कोरोना काल की 2 लहरों में जनसेवा की है। ऐसे में अब कोरोना की तीसरी लहर से जंग जीतने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवा अभियान के जरिए गांव-गांव बूथ-बूथ तक कार्यकर्ताओं को तैयार करना है और इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपने अपने क्षेत्रों में पूरे मनोयोग से काम करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि गाँव में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के साथ ही उन्हें कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध भी कराई जाएं ताकि इस बार कोरोना का कहर गाँवों तक न पहुंच सके। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष दिनेश उनियाल ने कहा कि कार्यकर्ता अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की चिंता करते हुए सेवा भाव से काम करें। देखिए, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम है। COVID-19 के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि उसके जो कार्यकर्ता हैं वो स्वयं सेवक की भूमिका में, जो संभावित तीसरी लहर की बात चल रही है उसको रोकने के लिए, उससे निपटने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने हैं और अगर दुर्भाग्य से ऐसी कोई लहर आती है तो उस दौरान किस तरह के काम करने होंगे, इसके तहत एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बतौर स्वयं सेवक बहुत ही अच्छा काम किया। मैं बात करूँ रुद्रप्रयाग जनपद की, तो रुद्रप्रयाग जनपद में हमारे 11 मंडल हैं और 11 मंडलों में से आज 10 मंडलों में विधिवत ये कार्यक्रम जो है
हो गए हैं, ये अभियान चल गए हैं और हमने प्रत्येक बूथों पे एक मात्र शक्ति और एक युवा शक्ति, एक अपना कार्यकर्ता जो है इस अभियान के तहत एक जागरूकता के लिए, एक अवेयरनेस के लिए कि जो संभावनाएं जताई जा रही है कि तीसरी लहर जैसे आ सकती है बता रहे हैं और किस रूप में आएगी, उसके लिए हम घर घर, गांव गांव, पूरे समाज को जागरूक करने के लिए हमारे कार्यकर्ता एक स्वयंसेवक के रूप में जो है जा रहे हैं। उत्तराखंड में आने वाले चुनावों में जहां कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हैं, वहीं आम आदमी पार्टी भी चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने से पीछे नहीं हट रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के महानगर महासचिव अब्दुल रहमान और शबलू समेत 22 अन्य कांग्रेसियों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, जिन्हें आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने विधिवत पार्टी की टोपी पहनाते हुए सदस्यता ग्रहण कराई। और इस दौरान आप प्रभारी ने कहा कि पार्टी की नीतियों से प्रदेश की जनता लगातार प्रभावित हो रही है और प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है, क्योंकि इन 20 सालों में प्रदेश को का जो विकास होना था वो नहीं हो पाया है और जनता अब बदलाव चाहती है। इस दौरान आपके प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद भी मौजूद रहे। देखिए, अभी तक उत्तराखंड की राजनीति में जो विकल्पहीनता की स्थिति थी और लोग बात केवल एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस को चुनकर इस प्रकार की सरकारें बना रहे थे, लेकिन आज आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प के रूप में उनके सामने मौजूद है। उसी का परिणाम है कि पूरे उत्तराखंड में लोग आम आदमी पार्टी को प्यार कर रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं और इसी की परिणति है कि आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का परिवार लगातार बड़ा हो रहा है, लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जिस तरह की काम की राजनीति की शुरुआत दिल्ली में हुई थी, उसी तरीके से अब काम की राजनीति उत्तराखंड में भी हो। इस उत्तराखंड में पहली बार शिक्षा की बात हो रही है, बिजली की बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो ये देख के अच्छा भी लग रहा है कि इस प्रदेश में भी अब काम की राजनीति की बात करने के लिए अन्य पार्टियों पर मजबूर होना पड़ रहा है और आम आदमी पार्टी इस प्रदेश की राजनीति का एजेंडा सेट कर रही है। उधम सिंह नगर के सितारगंज में 34 साल बाद शिक्षकों की मांग पूरी होने पर टीचर्स कॉलोनी में विधायक सौरभ बहुगुणा का भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि ये शिक्षण 1987 से ही टीचर्स कॉलोनी में जलभराव और बाउंड्री वॉल की मांग करते आ रहे थे और ऐसे में जो भी सभासद रवि रस्तोगी द्वारा विधायक सौरभ बहुगुणा को के संज्ञान में लाई गई थी, जिसके बाद विधायक ने समस्या के निस्तारण के लिए 44 लाख रुपए आवंटित करा दिए थे और सोमवार को मरम्मत का काम का शिलान्यास भी कर दिया, जिसके बाद लोगों के चेहरों पर खुशी देखने के लिए मिली। ये बहुत पुरानी इनकी मांग थी, बहुत समस्या भी ज़्यादा थी क्योंकि बारिश के समय में बहुत ज़्यादा यहाँ पे जलभराव की स्थिति हो जाती थी और उसको देखते हुए हम पिछले साल यहाँ पर आए थे और हमने इनको वादा किया था कि हम उसकी स्थिति सुधार के देंगे। और मैं रवि रस्तोगी भी बहुत सभासद हैं, मंडल अध्यक्ष जी, कमल भाई, हम सब ने यहाँ पर वादा करके गए और 22 से 24 लाख रुपये यहाँ पर स्वीकृत हो चुके हैं, जिसका आज मैंने शिलान्यास किया है, जिसमें वो टाइल्स बनेंगी, इनके जो नाली की व्यवस्था है, जो पीछे नाले से बड़े नाले से कनेक्ट किया जाएगी ताकि जलभराव ना हो, वो सारा काम यहाँ पर होगा। 1986 और 87 के बीच में उस कॉलोनी का निर्माण हुआ, तब से लेकर आज तक उसमें एक भी जो है सरकारी ईंट नहीं लगी, जबकि टीचर्सों के जो है उनकी तनख्वाह से उनके मेंटेनेंस का पैसा भी काटा जाता है, लेकिन विभाग द्वारा कोई भी आज तक कोई मरम्मत कार्य नहीं किया गया। इसको लेकर मैंने बहुत ही आप लगाइए, मैंने हर जगह एप्लीकेशनें दी, सारी चीज़ें की, लेकिन ये सौभाग्य है सितारगंज क्षेत्र का कि हमको एक ऐसे यशस्वी विधायक, लोकप्रिय विधायक सौरभ बहुगुणा जी मिले हैं, जिन्होंने उस गंभीरता को लेते हुए, उस टीचर कॉलोनी की गंभीरता को लेते हुए 44 लाख रुपए स्वीकृत कराए, जिसमें 24 लाख रुपए टीचर्स कॉलोनी के लिए और वहीं इंटर कॉलेज में जो है आए दिन चोरी चकारी होती थी उसको लेकर 8 फीट ऊँची बाउंड्री वॉल 20 लाख रुपये स्वीकृत कराए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी लालकुआ पहुंचे, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया, जिस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि उत्तराखंड में बारी बारी दोनों ही पार्टियों ने सत्ता में रहकर प्रदेश की जनता
जनता को लूटा है और प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन अब प्रदेश में लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं, इसीलिए सपा सरकार जो है चुनाव लड़ेगी और जनता को बदलाव देगी, जिससे लोगों की जो परेशानी है वो जल्द से जल्द सुलझाई जा सके। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड का भी मॉडल प्रदेश ही बनाया जाएगा। और इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा का मुकाबला सीधे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो दूर दूर तक मैदान में भी नहीं है। विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि उत्तराखंड के विकास में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।